हमारे BTS के सबसे बड़े मेंबर जिन यानी हमारे सॉक जिन तो बार बार मिलिट्री से कोई ना कोई अपडेट हम सभी के लिए भेजते ही रहते हैं, कभी कोई फोटो कभी कोई वीडियो। लेकिन हमें BTS के मेंबर जेहोप और सुगा को लेकर काफ़ी कम न्यूज़ पता चलती है। स्पेशली सुगा जब से गए हैं तब से उनकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन फाइनली एक अपडेट आया है जो BTS आर्मीज की जिंदगी में बाहर लेकर आया, क्योंकि उन्हें फाइनली पता चला कि हमारे सुगा क्या कर रहे हैं आजकल और उनका जो मिलिट्री अपडेट है वो क्या है। लेकिन सुगा के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो हमारे प्यारे से सुगा अपने वर्ल्ड टूर के बाद मिलिट्री में चले गए थे, जिसके बाद से उनकी कोई खबर हमें नहीं मिली थी। लेकिन रिसेंटली कोरियन मीडिया से पता चला है कि सुगा जो अपनी सोशल मिलिट्री सर्विस कर रहे थे उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो रोल है वो भी प्रमोट हो चुका है। न्यूज़ से पता चला है कि सुगा का जो रोल है वो टीम लीडर बन चुका है और उनका एक ग्रुप है जिसका नाम थंग छंग सू है, वहाँ पर वो अपने टीम लीडर के रोल को निभा रहे हैं। एक BTS आर्मी ने रिवील किया था कि वो मिलिट्री में गई थी और वहाँ पर वो सुगा से भी मिली। बेसिकली जो मिलिट्री के विजिटिंग आवर्स होते हैं वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें सुगा भी मिले और वो उनसे भी मिली। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें ये बात रिवील करी कि सुगा अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो उस टीम में बड़े हैं इसीलिए वो बहुत ही काइंडनेस के साथ उन सभी से बोलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टाइम टाइम पर सुगा लोगों के लिए पानी लेकर आते हैं और पेपरो जो कि कोरियन चॉकलेट होती है वो भी देते हैं। तो ये सब कुछ उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। एक टीम लीडर की तरह सुगा अपनी टीम को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फैन ने रिवील करी जो कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिली, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड भी सुगा की टीम में ही काम कर रहे हैं। इतने टाइम बाद सुगा का मिलिट्री अपडेट जानकर BTS आर्मीज को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक कोई फोटो या फिर वीडियो हमें सुगा की मिलिट्री सर्विसेज की नहीं मिली है। बात करें जेहोप की तो उनका भी रिसेंटली काफ़ी सारे फोटोज़ के साथ मिलिट्री अपडेट आया है। रिसेंटली कोरियन मीडियाज पर बहुत ही सारी फोटोज़ आई थी जेहोप की मिलिट्री बैच की, जहां पर देखा गया कि जेहोप अपनी एल्बम जैक इन द बॉक्स अपने मिलिट्री के फ्रेंड्स को बांट रहे थे और वो लोग जेहोप से उनकी एल्बम को साइन भी करवा रहे थे। यही नहीं बल्कि BTS की जो डॉक्यूमेंट्री और बुक आई थी वो भी जेहोप काफ़ी सारे मिलिट्री वालों को दे रहे थे और उनके साथ जेहोप ने फोटोज़ भी डाली हैं। जेहोप का भी प्रमोशन हो चुका है और वो काफ़ी अच्छे से मिलिट्री बेस में काम कर रहे हैं, इसीलिए आर्मीज काफ़ी खुश हैं कि फाइनली इतने टाइम बाद जेहोप और सुगा दोनों का ही मिलिट्री अपडेट हमें देखने को मिला, क्योंकि इतने टाइम से दोनों के ही बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हालांकि जिन की तरह बाकी दोनों मेंबर्स अपनी वीडियोस या फिर मैसेजेस तो नहीं छोड़ते ज़्यादा, जेहोप तो फिर भी ऑनलाइन आ जाते हैं, सुगा काफ़ी कम नज़र आते हैं। तो ऐसे में BTS आर्मीज को दोनों के अपडेट्स लेकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि जेहोप और सुगा को क्या मिलिट्री मैसेज आप देना चाहोगे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।